डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इसके पहले हमने जो है आयनिक जो कंपाउंड की हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम फैक्टर उनके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो आयनिक यौगिक की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है कि लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी दोनों के मान पर डिपेंड करती है। तो ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर्स होंगे जो इनको प्रभावित करेंगे वो जो है आयनिक यौगिक की सॉल्युबिलिटी को भी क्या करेंगे, वो इफ़ेक्ट करेंगे। तो जो कुछ फैक्टर हैं जो आयनिक यौगिक की जो है सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जब एक आयनिक यौगिक को जल में मिलाया जाता है तो उसके सतह वाले आयन जल अणुओं के विपरीत आयन वाले भाग की ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो क्रिस्टल में आयन जो हो निरंतर क्या होते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आयनों को क्रिस्टल से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। किंतु विपरीत आवेशित आयनों के प्रबल आकर्षण बल के कारण ऐसा नहीं हो पाता। जल के जो पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं के संपर्क में आने से आयनों का जो आवेश होता है कुछ सीमा तक तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उनके परस्पर जो आकर्षण होता है कुछ मात्रा में कम भी हो जाता है और वो क्रिस्टल जालक से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैंगे। और वे क्रिस्टल जो जालक से जो बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, तो किसी विलायक में आयनिक आवेश को उदासीन करने की जितनी अधिक क्षमता होगी वह विलायक उतना ही अच्छा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या कह रहेंगे हम, जब किसी आयनिक यौगिक को हम किसमें वाटर में जो जैसे पोलर सॉल्वेंट में जो अपन उसको सॉल्युबल कर रहे हैं, तो वे क्रिस्टल लैटिस एनर्जी से बाहर निकलने में क्या हो जाते हैं, जो है सफल हो जाते हैं। और किसी विलायक में आयनिक आवेश को उदासीन करने की जितनी क्षमता होगी वह विलायक उतना ही अच्छा क्या होगा, सॉल्वेंट माना जाएगा। तो किसी पदार्थ के विद्युतीय आवेश को उदासीन करने की क्षमता के माप को ही क्या करते हैंगे, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, किसी पदार्थ के विद्युतीय आवेश को उदासीन करने की क्षमता को इसको एप्सिलॉन से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मान क्या है, 80 है, जो आयनिक यौगिक के लिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, जो हम सबको पता है। तो किसी विलायक के लिए जितनी अधिक वैल्यू होगी एप्सिलॉन की वह एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होगा। तो किसी क्रिस्टल के लिए सॉल्वेशन एनर्जी और एप्सिलॉन में एक रिलेशनशिप होता है, वो ये है, तो H इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर अपॉन टू आर वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का जितना अधिक मान होगा सॉल्वेशन एनर्जी का मान भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, और सॉल्वेशन ऊर्जा के बढ़ने से विलयता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो किसी विलायक के लिए जितना अधिक मान होगा वह उतना ही अधिक उसमें आयनिक यौगिक की क्या होगी, विलयता होगी। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया जो है वो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब दूसरे फैक्टर इसकी हम बात कर रहे हैं वो है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन जो है आयनिक साइज या साइज ऑफ आयन, तो किसी पदार्थ की जो सॉल्युबिलिटी होती है जालक ऊर्जा सॉल्यूशन एनर्जी दोनों पर डिपेंड करती है। किंतु दोनों प्रभाव जो होते हैं ना विपरीत दिशा में क्या होते हैं, कार्य करते हैं। अर्थात जालक ऊर्जा बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, जबकि जो सॉल्यूशन एनर्जी बढ़ने से भी जो है वो विलयता क्या होती है, बढ़ती है। ये दोनों ही ऊर्जाएँ आयनिक आकार के रेसिप्रोकल होती हैं, आयनिक आकार के रेसिप्रोकल होती हैं, और उनमें रिलेशनशिप है वो इस प्रकार से, यू इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर प्लस प्लस आर माइनस। अर्थात चालक ऊर्जा जो होती है वो धनायन व ऋणायन की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार से एच एस सॉल्वेशन एनर्जी, जिसको हम विलायकन ऊर्जा भी कहते हैं, वो भी क्या होती है, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के रेसिप्रोकल होती है। तो विलायकन ऊर्जा धनायन तथा ऋणायन के इनके रेसिप्रोकल होती है। अर्थात धनायन तथा ऋणायन का आकार बढ़ने पर सॉल्वेशन एनर्जी तथा लैटिस एनर्जी दोनों की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आयनों का आकार आयनिक यौगिक की विलयता को इस प्रकार से प्रभावित करता है। पहला फैक्टर हम ले रहे हैं धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार क्या हो, बढ़ा हो। इसमें हम फॉर्मूले में देखें तो धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार क्या हो, बहुत बड़ा हो, और ऋणायन का आकार क्या हो, स्थिर हो। जैसे हमने देखा कि यदि R- माइनस इज ग्रेटर देन R+, तो जो है R+ प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू आर माइनस होगा।
अर्थात आर माइनस का जो मान है बहुत अधिक होने पर वन अपॉन आर माइनस का काम मान क्या हो जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, रेणाइंस का आकार अत्यधिक बड़ा होने तथा समान रहने पर क्या होता है, जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, स्टेबल रहेगा। तो ऐसी यौगिक में धनायन का आकार बढ़ने पर विलायकन ऊर्जा का मान घटने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों की सॉल्युबिलिटी का एक ये निम्न क्रम है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। इसमें हम देखेंगे जो है कैटायंस यानी कि धनायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, और ऋणायन का आकार तथा जालक ऊर्जा क्या हो रही है, ये अपरिवर्तित है, और सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अतः जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो जल में विलय है और बेरियम सल्फेट अपने को बताया वो जल में अविलय है। तो जल में अविलय क्यों है, उस फैक्टर के कारण है। अब नेक्स्ट फैक्टर है वो धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बड़ा हो तथा अपरिवर्तित रहता हो। तो इसमें यदि हम देखें तो क्या होगा, इस वाले फैक्टर में इसमें भी जो है आर प्लस इज ग्रेटर देन आर माइनस, आर प्लस इज ग्रेटर देन आर माइनस। तो क्या होगा कि ऐसी यौगिक में धनायन का आकार अपरिवर्तित रहने के कारण जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, स्टेबल रहता है। इसलिए इनमें ऋणायन का आकार बढ़ने से सॉल्वेशन एनर्जी तथा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। फॉर एग्जांपल हमने सीजियम्स के एलाइड ले लिए, तो सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीडियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। तो इनमें क्या हो रहा है, ऋणायन का आकार बढ़ रहा है। फ्लोराइड से आयोडाइड की हम जाएँ तो ऋणायन का आकार बढ़ रहा है, धनायन तथा जालक ऊर्जा का मान स्टेबल है, और जो विलायकन ऊर्जा घट रही है और विलयता भी क्या हो रही है, घट रही है। अब तीसरा जो फैक्टर है, यदि ऋणायन का आकार धनायन की तुलना में बड़ा हो और धनायन का आकार स्थित हो, तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो सॉल्युबिलिटी को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आयनिक यौगिक में धनायन का आकार समान होने पर सॉल्वेशन एनर्जी का मान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। इसलिए ऋणायन का आकार बढ़ने से जालक ऊर्जा घटेगी और विलयता भी बढ़ेगी, ठीक है। तो लिथियम के जो हैलाइड का जो सॉल्युबिलिटी में हमने क्रम देखा, तो लिथियम फ्लोराइड से लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। इसमें धनायकन का आकार और विलायकन ऊर्जा, धनायन का आकार और विलायकन ऊर्जा, ये दोनों ही क्या हो रही है, मतलब इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, और रिलायंस का साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जालक ऊर्जा जो होती है घटती है, और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ये अपने को पता है कि जालक ऊर्जा सॉल्युबिलिटी का क्रम भी क्या है, जो है वो रेसिप्रोकली है। तो लिथियम फ्लोराइड जो जल में अविलय है, जबकि लिथियम आयोडाइड जल में विलय होता है। ये सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें आते हैं कि लिथियम फ्लोराइड जल में अविलय है, लिथियम आयोडाइड जल में विलय है, क्यों, वाई, ये इस रीज़न के कारण। इसी प्रकार से एक परमाणु आयन धनायन व ऋणायन वाले आयनिक यौगिक में जिनमें धनायन व ऋणायन लगभग क्या होंगे, लगभग समान होते हैं, तो उनमें क्या हुआ, ऋणायन समान होने तथा धनायन का आकार बढ़ने पर जालक तथा सॉल्वेशन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के मान क्या होते हैं, घटते हैं। लेकिन जालक ऊर्जा का मान तेजी से घटता है, इसलिए इस प्रकार के यौगिक में धनायन का आकार बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम दे रहे हैं जो है इस प्रकार के जो क्षारीय मृदा धातुओं की जो है अपन इसमें क्षारीय धातुओं की फ्लोराइड्स के सॉल्युबिलिटी का क्रम इस प्रकार से, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड जल में अविलय है, जबकि सीजियम फ्लोराइड जल में विलय है, क्यों, ये इसका रीज़न है। अब नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है आयनिक चार्ज। अभी हमने साइज ऑफ द आयन के बारे में पढ़ा, अब दूसरा पार्ट है वो आयनिक चार्ज। आयनिक यौगिक में धनायन व ऋणायन पर जैसे जैसे चार्ज का मात्रा जो बढ़ती है, तो यौगिक में आयनिक बंध की जो है बंध सामर्थ्य तथा जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। इसलिए आयनों पर आवेश का मान बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। अधिक आयनिक आवेश वाले आयनिक यौगिक स्वतः ही पानी में क्या होंगे, अविलय होंगे, जैसे कार्बोनेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, ऐसे मल्टी जो है आयन्स होते हैं ऋणायन से बने आयनिक यौगिक जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ये अपने अलग से भी इसको टॉपिक को पढ़ा था। तो धनायन की ध्रुवणशीलता तथा ऋणायन की ध्रुवणता पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से आयनिक यौगिक में क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। जब कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा तो उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो फयांस के जो रूल्स अपन ने पढ़े थे उनमें क्या क्या अपन ने पढ़ा था, धनायन का आकार घटने तथा धनायन का जो स्टीरियोनेट गैस वाले धनायन की तुलना में पोलराइजिंग पावर उसकी क्या होती है, बढ़ती है,
और रेनाइंस का आकार बढ़ने से उसकी रेनाइंस की पोलराइजिबिलिटी बढ़ती है। तो ऐसे यौगिक जो होते हैं उनकी जलमय विलयता भी क्या होती है, घटती है। तो एग्जांपल हम इसमें अगेन ले रहे हैं ये क्षारीय धातुओं के फ्लोराइड का जो है धनायन का आकार बढ़ने से धनायन की ध्रुवण क्षमता घटने के कारण सॉल्युबिलिटी निम्न क्रम में बढ़ती है। तो इसलिए जो लिथियम फ्लोराइड होता है वो जल में विलय होता है और सीजियम फ्लोराइड जल में जो है वो लिथियम फ्लोराइड तो जल में अविलय है और सीजियम फ्लोराइड जल में क्या है, विलय है। और दूसरा जो एग्जाम्पल हम देखिए सिल्वर हैलाइड का सॉल्युबिलिटी का ये क्रम, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सीडर आयोडाइड। अब इसमें हम देखें जैसे जैसे जो रेनाइंस का आकार बढ़ रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसकी ध्रुवणता मीन्स पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, आयनिक कोण कम होगा, सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। इसलिए सिल्वर फ्लोराइड तो जल में विलय है और सिल्वर आयोडाइड क्या है वो जल में क्या है, अविलय होता है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है जो जो आयनिक यौगिक की सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है वो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, फॉस्फोरिक अम्ल है और ये सारे जो वीक एसिड जो फॉस्फोरिक अम्ल जैसे दुर्बल अम्लों के सॉल्ट सामान्यतः जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, लेकिन अम्लीय माध्यम में ये क्या होते हैं, सॉल्ट घुल जाते हैंगे, ठीक है। तो इसके कारण जो है वो ये जो कुछ फैक्टर हैं जो आयनिक यौगिक की सॉल्युबिलिटी पर क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला डायलेक्टिक कॉन्स्टेंट, साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ द एनायंस और साइज ऑफ द जो कैटायंस, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायंस, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ये सारे फैक्टर जो हैं सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट करते हैं। और इसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस भी जो होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो अपन इसको इसके आधार पर हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।